नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। एग्रीकल्चर PGT हो या कृषि संबंधी कोई जानकारी हो, आज आपके लिए लेके आया है मनरेगा 65 योजना। यह योजना क्या है? इस योजना के सेट का मतलब तो जानते हैं, छतरी। मनरेगा 65 योजना मतलब मनरेगा के तहत जो गांव में मनरेगा का काम चलता है उसके तहत ये उत्तर प्रदेश सरकार, अभी ये सिर्फ यूपी में है, बिहार में है और पंजाब में है। पंजाब में ये योजना चल रही, इतने राज्यों में योजना चल रही। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि मनरेगा के तहत जो छोटे किसान हैं या जिनका जीविका का साधन सिर्फ पशु है, उनके छायादार शेड है या फिर हवादार शेड या यूरिनल टैंक की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना के तहत आपको क्या किया जाए, मनरेगा के तहत आपको अस्सी हजार रुपए तीन जानवर के लिए 80,000 रुपए है। अगर आपके पास चार जानवर हैं तो 1,16,000। यदि 6 जानवर हैं तो 1,60,000। 60,000 वित्तीय आपको सहायता अनुदान दिया जाएगा। पर किसको दिया जाएगा? जैसे गाय है, बकरी, मुर्गी पालन, इनके लिए शेड की मतलब छाया के लिए। गरीब किसान है, उनके आजीविका का साधन सिर्फ यही है, तो उनकी आय में वृद्धि करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको कुछ वित्तीय सहायता दे दी जाएगी। जिससे क्या होगा, उनका ये वित्तीय सहायता इतनी काफी हो जाएगी। जैसे देखा होगा कि गांव में भाई ये पानी भरा है, ये भैंस बंधी हुई है, तो उसके क्या प्रोडक्शन नहीं होगा, दूध का प्रोडक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि बीमार हो जाएगी है। तो ऐसे जगह होगा, ये जमीन किसकी है, किसान की खुद जमीन रहेगी। किसान की क्या होगी, किसान अपनी जमीन पर मनरेगा के तहत सेट बनवा सकता है। और कहां बनवाएगा, वहां पर पानी ना एकत्र होता हो, ढालू भूमि हो, बीमारियों का संक्रमण कम हो और उसकी सतह की जमीन हो। अगर 3 पशु हैं तो 80,000 रुपए, 4 हैं तो 1,16,000 रुपए और 6 जानवर हैं तो 1,60,000 रुपए का अनुदान मनरेगा के तहत आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत मनरेगा के द्वारा काम करवाया जाएगा और लगभग इतने तक का काम आपको मनरेगा करके देगा। तो ये क्या है, मनरेगा 65 योजना 2022, जिसके अंतर्गत ये आपको लाभ मिलेगा है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ऐसी जानकारी आपके लिए मिलती रहेगी।